तो दोस्तों आज के इस माइनक्राफ्ट वीडियो में हम हमारे पूरे विलेज को चेंज करने वाले हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करके एक अलग ही नया लुक दे देंगे। लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने फूड फार्म बनाया था और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आयरन फार्म बनाया था। बट फिर भी पता नहीं, जब भी मैं इस विलेज को ऊपर से देखता हूँ तो मेरे को लगता है कितनी गंदगी है। कहीं पे भी विलेजर ने अपना छोटा सा फार्म बना दिया है जहाँ पे वो वीट वगैरह बो रहा है, निकाल रहा है, कहीं पे भी विलेजर हाउस है। और इसी वजह से मेरे को ना एक गंदगी भरा माहौल पसंद नहीं है। वैसे मैंने एक चीज करी थी, जो बीच में विलेजर हाउस है ये वाला, उसके आसपास मैंने थोड़ा सा दीवार कर दिया और सीढ़ियां लगा दी। और जैसे ही मैंने ये चीज करी उसके बाद मैंने विलेज देखा, भाई ये बहुत सही लुक दे रहा था, मतलब विलेज दिखने में अच्छा हो गया था। और इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना पूरे विलेज को हम लोग कासल में कन्वर्ट करें। बट उससे पहले आयरन फार्म में एक अपडेट है, ये वाला आयरन फार्म मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पे एक नया आयरन फार्म बना लिया है, ये वाला डिजाइन जो मैंने हीरो ब्राइन एसएमपी में आयरन फार्म बनाया था सेम टू सेम वैसा ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। और हाँ, इस वीडियो में मैं बहुत सारे फार्म ऐसे बनाने वाला हूँ जो हीरो ब्राइन एसएमपी में पहले भी बना चुका हूँ, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी ये वाली चीज बताने का एक ही रीजन है, जब भी मैं यहाँ पे इस विलेज में वो पुराने फार्म बनाऊंगा, जैसे कोबलस्टोन फार्म हो गया या कोई भी दूसरा फार्म बनाऊंगा, तो वो मैं यहाँ पे तुम लोगों को पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने फार्म बनाया। तो उससे होगा ये कि हम लोगों का टाइम बचेगा और हम लोग फटाफट से काम कर पाएंगे। तो चलिए अभी वीडियो पे आगे बढ़ते, इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला जो पीछे आयरन फार्म है उसको हटाएंगे, बहुत घटिया दिखने में है और उसके अलावा बहुत ज्यादा जगह भी रोक रहा है। बाकी तुम लोग देखोगे तो हर एक जगह पे खड्डे हैं, देखो यहाँ पे भी खड्डा है, पीछे बहुत सारे खड्डे हैं, भाई इसको एकदम समांतर करना होगा। तो जमीन को समांतर करेंगे, इस वाले आयरन फार्म को हटाएंगे और आखिरी बार ये सभी पेड़ पौधे देख लो, क्योंकि इसमें से ज्यादातर पेड़ कट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से कासल बनाना है इसलिए। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। यहाँ पे मैं लेने के लिए आया हूँ कोरल, क्योंकि हमें बनाना है कोबलस्टोन फार्म और हम लोग मिनी कासल बनाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी दीवार जो बनेगी ना, दीवार वो बनेगी स्टोन की और उस स्टोन हमें मिलेगी कोबलस्टोन से। और ये जो कोबलस्टोन वाली चीज है वो ऐसे ही हमें कोबलस्टोन कहीं पे भी पड़े हुए नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी बट उतने नहीं मिलेंगे जितने हमें चाहिए। तो हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा एक कोबलस्टोन फार्म और उसमें लगेगा हमें कोरल, तो मतलब कोरल की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो चलो फटाफट से यहाँ से कोरल उठा लेते हैं और जब हम लोग सुपर स्मेल्टर बनाएंगे तब भी आई थिंक हमें कोरल की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से हम लोग ढेर सारे कोरल उठाने वाले हैं, बस तुम लोग देखते जाओ, जब तक हमारा ये सिल्क टच वाला पिकेक्स नहीं टूटेगा तब तक हम लोग कोरल यहाँ से उठाते ही रहेंगे। और जो ये वाला पिकेक्स है वो मेरे को मतलब ये सिल्क टच मिला था अपने विलेजर से और विलेजर से मैंने सिल्क टच लेके इसके अंदर डाला हुआ है। बट अभी के लिए भाई ये तो बहुत जल्दी सांस की प्रॉब्लम आ रही है, अंदर जाते ही मतलब पानी का वो हालत ख़राब हो जाता है। देखो आ गए, देखो हमें बाहर निकलना पड़ेगा सांस लेने के लिए वापस। वैसे इतने कोरल भी काफ़ी है बट जैसे मैंने बोला यार कोरल की कमी नहीं रखेंगे, फिर कभी भी मेरे को कोरल लेने के लिए नहीं आना है यहाँ पे। इस वजह से मैं जितने कोरल उठा पाऊँगा ना अभी उठा लूँगा। एक मिनट मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैंने कितने कोरल वहाँ से उठाया, ये देखो ये कम है क्या, मतलब एक जन्म के कोरल नहीं, ये तीन चार जन्म के हमने कोरल यहाँ से उठा लिए। अब मेरे को नहीं लगता कभी भी हमें कोरल ढूंढने के लिए कहीं पर जाना होगा। और ऑलमोस्ट तुम लोग देख सकते हो हमारी पिकेक्स की हालत ख़राब हो चुकी थी तब तक मैंने वहाँ से सब चीज़ें उठाई है। तो फाइनली मैंने भांग तोड़ करने वाला काम कर दिया है, मतलब जो ये आसपास का एरिया था एकदम टेढ़ा मेढ़ा था उसको एकदम समान कर दिया है देखो। और उसके अलावा जो यहाँ पे चेस्ट वाली मतलब फूड फार्म के नीचे की जगह थी उसको मैंने पूरा स्टोन का कर दिया है, बस वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए इस वजह से मैंने स्टोन का किया है। उसके अलावा तुम ये वाला एरिया देख सकते हो, सभी चारों जगह पे बेड है। उसके अलावा ये देख लो तुम लोग, ये रास्ता कितना क्लीन हो गया है, मतलब कहीं पे भी घास वगैरह हुआ करता था छोटा छोटा, वो सभी मैंने कट कर दिया है पानी डाल के। और ये भी देख लो तुम लोग नीचे कितना मस्त तरीके से सब चीज़ें कर दिया है। यहाँ पे ये वाले दो घर रखे हैं, बाकी के एक घर को मैंने तोड़ के यहाँ पे सेम टू सेम उसके जैसा ही घर बना दिया। पहले वो वाला घर देखा फिर ये वाला घर बनाया और उसके बाद वो वाला घर तोड़ा। बाकी ये वाला एरिया तुम्हें पता ही होगा बहुत घटिया था, यहाँ पे एक छोटा घर था, एक मतलब यहाँ पे एक पर्वत जैसा था उसके ऊपर एक छोटा सा घर था, उसको भी मैंने हटा दिया और ये वाला एरिया एकदम क्लीन कर दिया। मतलब यहाँ पे कुछ हमें काम करना रहना तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला घर मैंने रखा है क्योंकि यहाँ पे दो मतलब विलेजर रहते हैं। और बाकी मैंने घर तोड़ा उसका रीज़न ये है कि मैंने ना बाकी सभी विलेजर को जगह यहाँ पे दे दी। यहाँ पे देख लो बहुत सारे बेड लगा दिए है, इससे होगा ये कि ये सभी चीज़ें दिखने में अच्छी दिखेगी, इस वजह से मैंने ये किया है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तुम लोग ये वाला एरिया देखो, ये एकदम मस्त क्लीन देखो सामने तक कर दिया है। अभी बस हमें ये करना है कि ये वाली जो जगह है ना, इस सभी जगहों पे हमें वॉल लगानी है, मतलब दीवार बनानी है जो कासल की दीवार बनती है।
और एक चीज कि ये वाली जो दीवार अभी मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे, वो वाली दीवार जो होगी वो बहुत ज्यादा ओपी नहीं होगी, क्योंकि ये वाला कासल मिनी कासल है। हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज्यादा बड़ा कासल, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा कासल हम लोग बनाएंगे। मैंने जो हीरो ब्रेन एसएमपी में बनाया था ना, उससे भी बड़ा वाला कासल बनाएंगे आने वाले समय में। बट अभी के लिए हम लोग एक नॉर्मल दीवार यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग बाकी सब काम करेंगे। मेरे को विलेज ब्रीडर भी बनाना है बट बाद में बनाएंगे, अभी हम लोग दीवार बना लेते हैं। और मैंने कोबलस्टोन फार्म ऑलरेडी बना लिया है तो टेंशन नहीं लेने का। ये है अपना कोबलस्टोन फार्म और इसे मैंने अपने विलेज से थोड़ा पीछे की साइड दूर पे बनाया है, ताकि जब मैं इसको ऑन करूँ तब गेम लेग ना हो। तुम लोगों को पता है कोबलस्टोन फार्म बहुत ज्यादा रेंडर में इश्यू दे देता है। बाकी मैंने सेम ऐसा कोबलस्टोन फार्म हीरो ब्रांड एसएमपी में भी बनाया था, तो इस वजह से मैंने बनाता हुआ प्रोसेस तुम लोगों को नहीं दिखाया। ये पर घंटे हमें 1,20,000 कोबलस्टोन देता है, और अगर तुम लोगों ने इस कोबलस्टोन फार्म को 1-1.5 घंटे सही तरीके से स्टार्ट करके रख दिया ना भाई, तो मतलब ये सभी चेस्ट को फुल कर देगा। बाकी मैं तुम्हें स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से कोबलस्टोन फार्म हमारा काम करता है। मैंने यहाँ पे एकदम बढ़िया से सीढ़ी बनाई है, हम लोग इस सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और ऊपर रहा लीवर, इसको हम लोग बस ऑन करेंगे। बस ये फार्म ऑन हो गया, अभी बस वहीं ये TNT ड्यूपर से TNT नीचे गिरेगा और सीधा वो जो ये वाले कोबलस्टोन बने हैं पानी और लावा से, वो बाहर की साइड आएगा, उसको तोड़ेगा। और जो टूटे हुए कोबलस्टोन नीचे पानी में गिरेंगे, वो पानी से होपर के थ्रू जाएंगे अपने चेस्ट में। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस मैंने इस कोबलस्टोन फार्म में किया है कि कोबलस्टोन के ऊपर वाली लाइन मैंने उसकी कर दी, ऑब्सिडियन की कर दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो अपना TNT नीचे गिरेगा वो पूरा अगर स्टोन का है ना, तो वो स्टोन को या ग्लास को तोड़ देता है, और उस वजह से क्या होता है कि पूरा ये फार्म बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह से मैंने वो ऑब्सिडियन वाला चेंज किया है, बाकी इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। तो ये था अपना कोबलस्टोन फार्म, आई होप आप लोगों को ये वाला कोबलस्टोन फार्म पसंद आया होगा। ये देखो बस अभी बंद हो गया, अब इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो अभी अपन लोग जाते हैं और दूसरे काम पे लगते हैं। तो अभी के लिए मैंने पूरा का पूरा जो अपना कासल है उसको तैयार कर दिया है, मिनी कासल तैयार कर दिया है। विलेज जो अपना था उसको मैंने कासल में कन्वर्ट कर दिया है। बट अभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपन लोग एक विलेजर ब्रीडर फार्म बना ले, क्योंकि विलेजर मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा अपने पास एक विलेजर ब्रीडर फार्म तो होना चाहिए। जब अपन लोग एक इतना बड़ा मिनी कासल, बड़ा भी बोल रहा हूँ और मिनी कासल भी बोल रहा हूँ, बट हाँ ऐसा समझो बड़ा कासल है बट अपने लिए मिनी कासल है। अभी इससे भी बड़ा वाला कासल अपन लोग बनाएंगे इस वजह से, बट वही है क्योंकि अपन को विलेजर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना एक बार विलेजर ब्रीडर फार्म बना ही लेता है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी मैं तुम लोगों को विजिट करवाने वाला हूँ अपना मिनी कासल, बट उससे पहले वाला आयरन फार्म देख लो। ये आयरन फार्म काफी काम का है, अभी भी काम कर रहा है, देखो रात दिन मेहनत करता है आयरन फार्म। उसके अलावा आगे बढ़ेगी तो ये वाला रास्ता आएगा, यहाँ से जंगल में मैंने आयरन फार्म बनाया है। और हाँ, आयरन फार्म अपने कासल से बाहर वाली साइड पे इधर है, तो जब अपन लोग यहाँ से जाएंगे। और इतनी सारी टॉर्च मैंने इसलिए लगाई है ताकि रात के टाइम पे रोशनी हो और ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो, तुम लोगों को पता ही होगा वरना ज़ॉम्बी स्पॉन होके दिमाग खराब कर देते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तब ये है हमारे मिनी कासल का गेट, और उसके अलावा इतना बड़ा है, तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे, तो तुम्हें एंड नहीं दिखेगा क्योंकि पेड़ बीच में आ रहे हैं, बट ये गेट है। इस गेट से हमें अंदर जाना है, और मैंने गेट के मामले में भी कारीगरी करी है, मतलब गेट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। देखो ऐसे किया, दरवाज़ा बंद, अभी मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए ओपन होगा, बस अभी वापस पैक हो जाएगा। अब जब मेरे को बाहर निकलना है, वापस दबाना है, ये खुला, मैं ऐसा बाहर आ गया, तो ये हो गया। बट अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे करके रखना कि खुला ही रहेगा गेट, तो बस आ जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग देख सकते हो इतनी सारी टॉर्च मैंने इसलिए लगाई है ताकि यहाँ पे भी स्पॉन ना हो ज़ॉम्बी, और अपना जो क्या बोलते हैं उसको, स्केल्टन के अलावा एक सबसे क्रीपर भाई, क्रीपर बहुत गंदे होते हैं। अगर हमें कासल के ऊपर जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ ली और इधर से हम लोग गए यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पे। अब ये जगह से हम लोग सब चीज़ें देख सकते हैं, बाहर वाली साइड पे देखो एकदम मस्त तरीके से सब कुछ दिख रहा है। बट
अभी हम लोगों को जाना है ये वाली साइड पे, यहाँ से हम खड़े हैं और हमें राइट साइड पे जाना है, तो ये वाला दरवाजा ओपन करना है। जैसे ये दरवाजा ओपन हम लोग करेंगे तो एक और टावर के ऊपर जा सकते हैं, जो ये वाला टावर मैंने बनाया ना, यहाँ पे हम आ सकते हैं ये टावर के ऊपर। और टावर के ऊपर से तुम्हें दिखेगी ए वाली साइड, जो कि तुम्हें मतलब चारों दिशाओं में कनेक्ट करेगी। तुम लोग ये साइड से कहीं पे भी जा सकते हो, बट अगर तुम लोगों को यहाँ पे जाना है, मतलब ये वाले रास्ते पे जाना है, तो कुछ नहीं, यहाँ से वापस नीचे जाओ इस तरीके से, और उसके बाद ये दरवाजा कर दो बंद, किसी को पता ना लगे इसलिए। अब ये वाला दरवाजा ओपन करो और यहाँ से तुम लोग जा सकते हो ऐसे करके, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे आ गए। अभी तुम लोग बोलोगे यार रज्जू, अगर हमको नीचे की साइड पे जाना हो तो किसे जाएंगे, बताता हूँ रुको। अगर हमें यहाँ पे इसके नीचे जाना है तो उसके लिए भी मैंने रास्ता बना के रखा है, नॉर्मल रास्ता, एक दूसरे रास्ते से एक दूसरा रास्ता कनेक्टेड है, तो इसको अपन लोग ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग जा सकते हैं नीचे वाली साइड पे। देखो अब यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी टॉर्च लगाई है ताकि यहाँ पे भी ज़ॉम्बी या ये सब चीज़ें मतलब स्पॉन ना हो इस वजह से। तो ये वाला रास्ता तुम लोग देख लो, यहाँ से हम लोग नीचे चेस्ट वगैरह अगर छिपानी बिपानी है तो छिपा सकते हैं, और देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये वाला रास्ता भी मैंने बना दिया है। अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस से ऊपर और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं ऐसे करके। पहले ब्रेड खा लेते हैं भाई, ब्रेड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दरवाज़ा ओपन हो जा, डोर है। और अगर तुमको रेडस्टोन वाली कारीगरी देखनी है ना तो यहाँ से जा सकते हो, ये का रास्ता मैंने बनाया है। यहाँ से तुम लोग नीचे जाओ ऐसे करके, और ये अपना रेडस्टोन लगाया हुआ है जो कि गेट का मैकेनिज्म है। ओके, गेट जो ओपन होगा बंद होगा, तो ये सब रेडस्टोन की जो कारीगरी है मैंने यहाँ पे करी हुई है। अब मैं तुम्हें इसको ना ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, हम लोग वापस ऊपर चले जाते ऐसे करके, और भाई जाने दे ऊपर। तो ये आगे हम लोग वापस से ऊपर, इसको कर देंगे वापस से बंद। इसको इतना ज़्यादा मतलब ना तुम लोग देखो तो ही सही है, क्योंकि रेडस्टोन वगैरह देखने वाली चीज़ तो है नहीं जहाँ तक मुझे पता है, गेट वाली चीज़ों में, बाकी देखने वाली बात है। अभी यहाँ से हम लोग करेंगे इसको बंद, अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, यहाँ इस टावर के ऊपर भी, बट ये वाला गेट ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी अगर हमको नीचे वाली साइड पे जाना हो ए वाली साइड से, तो यहाँ से जा सकते हैं जैसे हम लोग उस साइड से गए थे। देखो इतना बेहतरीन नज़ारा है ये। अभी हम लोग वापस ऊपर चले जाएंगे और इसको कर देंगे ऐसे बंद। अभी हम लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं है डेफिनेटली यार, यहाँ पे हम लोग क्या ही करेंगे। तो चलो अभी ये वाला दरवाज़ा ओपन कर दे और वापस चले जाते हैं नीचे, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अपना विलेज ब्रीडर फार्म जो कि मैंने बना लिया है। आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को ना तुम लोगों को दिखाने के लिए है, तो सभी चीज़ें देख के जाना। बाय द वे, जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। तो ये बोलना पड़ता है यार, समझो यार, लाइक के बटन को जरूर दबाना, अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अभी देखो ये है विलेज ब्रीडर फार्म, तुम लोग देख लो कितना कूल, कितना सही लग रहा है। ये ऑटोमेटिक विलेज ब्रीडर फार्म है, देखो कितने विलेजर है, देखो नीचे ये ऑटोमेटिक विलेज ब्रीड, मतलब ये विलेजर को ब्रीड करेंगे, खाना भी इन लोगों को यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे ब्रीडिंग भी चालू रहेगी। अब अगर हमको इसमें से कोई भी विलेजर चाहिए ना, कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है। भाई कितने सारे विलेजर इन लोगों ने, भाई कितने सारे ब्रीड करके रखे हैं। बस यहाँ पे मेरे को बटन दबाना है, देखो इसके अंदर ये रहेंगे माइनकार्ट। अब मैं बटन दबाऊंगा, देखो बस तुम आया विलेजर बाहर। अगर अभी मेरे को इसको बाहर लेके जाना है तो मैं बस यहाँ पे और ये लगाऊंगा, ये क्या बोलते हैं, रेल लगाऊंगा, और ऐसे 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 रेल का एकदम रास्ता बना के बाहर भी निकाल सकता हूँ, और जहाँ पे लेके जाना है मैं जा सकता हूँ। अब ये वाला इजी रहेगा क्योंकि हम लोगों को विलेजर को माइनकार्ट में बिठाना नहीं पड़ेगा, पहले से ये लोग बैठे हो गए। और अगर विलेजर यहाँ पे ज़्यादा हो गए, कुछ ज़्यादा मात्रा में ही हो गए, तो विलेजर ऑटोमेटिक मर भी जाते हैं, तो तुम लोग समझ सकते हो काफ़ी डेंजर वाली चीज़ है। उसके अलावा अपन लोग बात करें, ये है अपना फूड फार्म, इसके बारे में तो तुम लोग जानती होगी, इसके बारे में तो चर्चा करने जैसी है नहीं, बट तुम लोग देखो विलेजर अपने पास कितने सारे हैं। ये है स्विमिंग पूल जहाँ पे गोलम नहा भी रहा है, देखो दो गोलम अंदर नहा रहे हैं, देखो तो सही भाई साहब। अभी देखो ये जो विलेजर है ना सभी के सभी, इसमें से ये वाला विलेजर काम का है, देखो इसको मैंने पूल मिक्स करके, और गोलम ने मार दिया रे। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस हमें गोलेम ने यहाँ पे पीट दिया था, और ये वाले दो गोलेम भी मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, और उसका रीजन क्या है पता है तुम्हें, ये पड़ी रे पड़ी पड़ी पड़ी, ये गया रे भाई, गया वापस से, मैं मर गया, देखो वहां से भी गोलेम आ गया था। इसका रीजन एक ही है, हम लोगों ने क्या किया है पता है, एक फालतू गिरी करा है, वही ये तीन गोलेम मेरे पीछे पड़े हैं। वो जो स्विमिंग पूल के अंदर दो गोलेम चले गए है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें नहीं जिंदा छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने जानबूझ के गिरा है। भाई हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, इन लोगों को नहीं पता है। और अभी देखो मैं 19 वाले है ना नेदर ब्रिक, उसको लेके इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तुमको पता होगा मैं अंदर से एंचेंट एवरिस लेके आया था, जो अपना क्या बोलते हैं
जब मैं गया था नेदर में तब, बट अब तक मैंने इसका कोई आर्मर वगैरह नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के एंड तक मैं आर्मर वगैरह बना लूँगा, बट ये लोग पीछे पड़े हैं भाई पागलों की तरह। एक मिनट रुको, मेरे को इधर से भागने दो, ये गोलेम तो इधर भी है भाई। ये गोलेम इतने ज़्यादा शिफ्ट, भाई तुम लोग रुको रहे थोड़ा, गोलेम मारने के लिए नहीं आ रहा है ना। पहनने दो मेरे को अभी ये सब चीज़ें वापस अपनी। ये ले लिया पिकेक्स, इसको ले लेता हूँ हाथ में, इसको ऐसे और इसको ऐसे करके, बस बढ़िया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ओए वापस आ गए ये लोग। अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, आई थिंक हम लोगों को ना विलेजर सभी को बाहर इन लोगों को मारना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बट एक थोड़ा दिमाग लगा के मारना पड़ेगा, ऐसे मारेंगे तो ये नहीं मरेंगे, हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, बस सब हो गया। अब ये मेरे को नहीं मार सकता, अब मैं इन लोगों को मारूंगा बस। क्या वे नुबड़े बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है क्या, हीरो बनेगा। ये लो एक गया, अब इसकी बारी। ये ए, ए, ए लो, मरेगा अभी। क्रिटिकल लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं लग रहा है क्रिटिकल, ये भी गया। अच्छा चलो बढ़िया। तो यहाँ पे जितने भी गोलेम थे उन सबको मैंने मार डाला है, और उसके अलावा यहाँ पे जितना भी पानी था वो सभी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एकदम विलेजर के अलावा कोई भी नहीं है, यहाँ पे बस मेरे को पानी डालना है अंदर जाने के लिए, और बस हो गया। अभी देखो मैं तुमको ना ये विलेजर दिखाता हूँ, ये विलेजर के पास इन्फिनिटी है जो कि मेरे को नहीं चाहिए है। बाकी ये सब तुम लोग देख सकते हो, ये सब चीज़ें मेरे को इन विलेजर से मैंने काफ़ी लूटा है भाई, सभी सामान विलेजर से ही लूटा हुआ है। ये देखो एरो है, उसके अलावा इसके पास क्या है भाई, बेल वगैरह है इसके पास। तो मतलब जितनी काम की चीज़ें थी वो तो मैंने खरीदी थी, बट जितनी काम की चीज़ें नहीं है वैसे ही मैंने छोड़ दी है। और काफ़ी सारे विलेजर ऐसे हैं जिसको मैंने मैक्स करके रखा हुआ है, तो वो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। एक गोलेम अभी भी मारने के लिए आ रहा है भाई, क्या हो गया आप तेरे को, इसको भी अभी यहाँ पे ही मैं उड़ा दूँ क्या, बोलो। अगर तुम लोग बोलोगे तो इसका भी अभी करवा देते हैं फिर कांड। एक मिनट भैया, अपने पास खाने के लिए भोजन नहीं है, अभी अपन को भोजन लेने के लिए जाना पड़ेगा। ये दूसरा देखो गोलेम तैयार हो गया अपन को मारने के लिए, सभी के सभी गोलेम अपन को मारना चाहते हैं। हालाँकि हमने विलेजर को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाई है, अब पता नहीं ये लोग क्यों हमको मारना चाहते हैं। अब हम नीचे आए हैं तो ये लोग हमको मार ही डालेंगे, हम गलत जगह पे खाना लेने के लिए अभी आ चुके हैं। फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरा पता नहीं बट गोलेम के साथ रिश्ता सही नहीं है। अब यहाँ पे मैं लूँगा ये वाला खाना गाजर, और इसको खाने वाला हूँ। पीछे चेस्ट में मैंने बहुत सारे गाजर वगैरह रखे हुए हैं, इधर इस चेस्ट से लेके पीछे वाली चेस्ट में, बट वहीं है यार, वहाँ तक मैं लेने के लिए जाऊँगा ये लोग मेरे को उड़ा देंगे। तो आई थिंक ये वाले वीडियो को मुझे लगता है यहाँ पर हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। ये है हमारा मिनी कासल जो कि तुम लोगों को है वो पसंद आया होगा। यहाँ पे ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करने वाले हैं आने वाले समय में, तो वेट करो, वीडियो आएगा बहुत जल्दी जहाँ पे हम लोग कोई भी अभी जो भी चीज़ हम लोग बिल्ड करेंगे ना वो सब चीज़ों का मैं टोटल वीडियो अपलोड करेगा बनाते हुए, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें मैं बिल्ड करूँगा वो मैंने अब तक नहीं बिल्ड करी हुई, वैसी चीज़ें बिल्ड करूँगा। इसके पास क्या है, गन पाउडर वगैरह है, गन पाउडर नहीं इसके पास ये था ना, रेडस्टोन डस्ट है, उसके अलावा इसके पास तो फिश वगैरह है। ये देखो वो आ रहा है भाई, चलो निकलो अभी इधर से भागना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे, बट मैं पीछे की साइड पे तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ, जो कि बाकी रह गई है। और वो चीज़ है अपना एक मशीन जिसका नाम है, एक मिनट रुको भागने दो मेरे को, उसका नाम है सुपर स्मेल्टर। और ये सुपर स्मेल्टर कहाँ पे रहा, ये रहा, चालू भी है देखो, ऑन भी है अभी, आ जाओ। और ये आपको बना के देगा कोबल स्टोन से स्टोन वगैरह जो भी आपको बनाना है। देखो ये स्टोन बन रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे स्टोन ऑलरेडी बन भी चुके हैं, अभी इसको मेरे को लगता है बंद कर देना चाहिए, काफ़ी देर से चालू है भाई, सभी के सभी तो भर दिए हैं अपन ने, अभी इसको भी बंद करना चाहिए। ये कारपेटर है, मतलब ऑटोमेटिक कारपेट को वो करेगा, अनलिमिटेड कारपीट बना के देगा, तो इनफाइनाइट फ्यूल वाला सीन है, इसमें फ्यूल ख़त्म ही नहीं होगा, हमें फ्यूल डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये फ्यूल इसके अंदर जाएगा, ये कारपीट जाएगा इसके अंदर, और फिर काम होता रहेगा। गोलेम आ चुके हैं, अपन को गोलेम से भी बचना है, दिक्कत वहाँ पर आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें आएगी कारपीट, और कारपीट से अपना ये जो फर्नीचर है वो चालू रहेगा और सभी चीज़ें बनाता रहेगा, सभी की सभी जो भी चीज़ें वगैरह, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, चलो मेरे को गोलेम से बचने, तो मैं गोलेम को भी उठाने वाला हूँ, मतलब उड़ाने वाला हूँ, बट अब तक मार नहीं सकता जब तक वीडियो बना रहा हूँ। चलो तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।